नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं शेफ नीरज जैन निरालीज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने सोचा आपको कुछ स्वीट बताती हूँ, तो एकदम इंस्टेंट जलेबी मैं आपको बताने वाली हूँ जो एकदम फटाफट तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें हमने लिए हैं 40 ग्राम मैदा, 55 ग्राम हम ले रहे हैं बारीक रवा, 55 ग्राम बारीक रवा, 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा येलो कलर और 5 ग्राम बेसन। चाशनी के लिए हमको चाहिए 1 कप शक्कर और 1/2 कप पानी। तो देखिए जलेबी हम किस तरह से बनाएंगे, इंस्टेंट जलेबी। इसमें हम ले रहे हैं ये बारीक रवा 55 ग्राम, 40 ग्राम हम ले रहे हैं मैदा, 5 ग्राम लेंगे इसमें हम बेसन और इसमें डालेंगे हम साइट्रिक एसिड 1/2 टीस्पून, जिसे हम टार्टरी भी बोलते हैं। 1/4 टीस्पून हमको चाहिए बेकिंग सोडा और साथ में इसमें डालेंगे हम कलर। ये सब चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह का पाउडर बनाकर आप एयरटाइट जार में रख कर, एयरटाइट बॉक्स में रख कर फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे तब आप इससे जलेबी बना सकते हैं। ये आप 3 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ये जलेबी का हमने प्रीमिक्स तैयार कर लिया। जलेबी का प्रीमिक्स तैयार है। अब इसमें हम 100 ml पानी डालेंगे। पहले 100 ml डालेंगे और यदि हमको घोल थोड़ा गाढ़ा लगता है तो 25 ml और मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें पहले 100 ml पानी डाला, इसे इस तरह से मिक्स करके और हमको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए एकदम अच्छा कलर जलेबी का, और इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। जलेबी के बैटर को हमने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा, तब तक हम बना रहे हैं इसकी चाशनी। इसकी चाशनी के लिए हमको चाहिए 1 कप शक्कर। ये देखिए हमने ये ले ली 1 कप शक्कर और इसमें डाल रहे हैं हम 1/2 कप पानी और इसे बॉईल करेंगे। केवल शक्कर घुलने तक ही चाशनी हमको गैस पे रखनी है। अब शक्कर में थोड़ा सा जो कचरा होता है उसको यदि हम साफ करें तो उसके लिए हम इसमें साइट्रिक एसिड भी थोड़ा सा डाल सकते हैं या फिर इसमें दूध डाल सकते हैं। तो जो भी कचरा होगा वो पूरा इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम निकाल के अलग रखते हैं। चाशनी के लिए हमने 1 कप शक्कर, 1/2 कप पानी लिया। इसमें जैसे ही बॉईल आया मैं थोड़ा सा इसमें साइट्रिक एसिड 1 चुटकी डाल रही हूँ, जिससे इसमें जो कचरा है वो अलग हो जाएगा। और इस तरह से ट्रांसपेरेंट चाशनी बनके तैयार हो गई है। इंस्टेंट जलेबी के लिए हमने चाशनी एक साइड बना के रख चुके हैं और एक साइड मैंने कढ़ाई में घी गरम रखा है, तई जिसको बोलते हैं, जिसका नीचे से जो पेंदा है वो फ्लैट होता है। ये चीज़ हमने गैस पे रख दी है जिसमें हमने घी रखा है। घी एक साइड गरम करने रखा है और एक साइड हमारी चाशनी भी तैयार है। अब 10-15 मिनट हो गए इसके बैटर को रखे हुए जलेबी के। अब हमने ये लिया है पाइपिंग बैग। आप कोन को कोई भी पॉलीथीन भी इस्तेमाल कर सकते हो या बटर पेपर का कोन भी ले सकते हो। और
इसमें हम अभी डालेंगे जलेबी का बैटर। ये देखिए, ये जलेबी का बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। ये इस तरह से जलेबी का बैटर हमने डाल दिया और नेक्स्ट सरफेस वाली तई फ्राई पैन में हम इसे तल रहे हैं। ये देखिए, आप चाहो बड़ी छोटी जैसी जलेबी बनाना चाहे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है जलेबी। इसको हम धीरे से पलट देंगे। आप इससे बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं। चाशनी में जाने के लिए जलेबी तैयार है। चाशनी हमारे पास पहले से ही तैयार है। अब इसमें इसको डालेंगे हम जलेबी को चाशनी में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आपने घी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया तो जलेबी तुरंत ही डार्क कलर की हो जाएगी और जब आप उसको चाशनी में डालेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर से कच्ची लगेगी। तो हमको मीडियम फ्लेम पर ही जलेबी को तलना है क्रिस्पी होने तक। ये देखिए, ये जलेबी तल के तैयार। और अब इसको डाल देंगे हम चाशनी में। चाशनी भी तैयार है हमारे पास। ये चाशनी में डाल दिए। ये सूख कर ली इसने चाशनी। बहुत ज़्यादा देर चाशनी में छोड़ना भी नहीं है हमको इसको। और इसे हम धीरे से निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट डालकर सर्व कर सकते हैं। यदि आपके पास रबड़ी तैयार है तो जलेबी को आप रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तैयार हुई गर्मा गर्म इंस्टेंट जलेबी, इसे आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये जलेबी कैसी लगी। यदि आपको ये जलेबी पसंद आती है तो आप मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और इसके अलावा आपको ये रेसिपी देखने मिल सकती है। मेरा फेसबुक का पेज है निराली कुकरी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।